मॉर्निंग। आज हम यूके का सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं, वो है इंडियन स्टोर जाना, ग्रोसरी लेना। तो सुबह सुबह इन द सेंस 10:30 बज रहे हैं, लेकिन धूप काफ़ी अच्छी आई है आज। इतने दिन से तो धूप थी नहीं, बारिश हो रही थी, तो काफ़ी अच्छा वेदर है और अच्छा लग रहा है धूप में खड़े होके। मैं तो ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक वीक बाद घर से बाहर निकली हूँ, क्योंकि ये पूरा वीक इतनी ठंडी और बारिश थी कि हम वॉक करने के लिए भी नीचे नहीं उतरे, और मेरा कुछ काम भी नहीं था नीचे उतरने का इस चक्कर में। और बस के लिए वेट कर रहे हैं फ़िलहाल। तो हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से कुछ 20 मिनट्स दूर है इंडियन स्टोर, तो फ्रीक्वेंटली तो नहीं जाते हम, लेकिन ऐसा होता है कि 1.5 महीने में या 2 महीने में एक बार तो जाना ही पड़ता है। तो मैं आपके साथ बाद में शेयर भी करूँगी कि हम वहाँ से क्या क्या लेके आए। और लेट्स स्टार्ट। थोड़ी देर पहले ही मेरी धूप आई और अब देखिए बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ के मौसम का एक्चुअली कभी पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। यहाँ से हम जैसे ही पहुँचने वाले थे, उसके पहले एक जीरो एक स्वीट शॉप थी, वो स्वीट शॉप में काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी थी। मैंने छोटे से क्लिप लिया है वहाँ का। यहाँ से भी हम कुछ मिठाई लेके गए थे ट्राई करने के लिए। फिर हम जा रहे थे इंडियन शॉप, और इंडियन शॉप की मैंने थोड़ी सी किसी ज़्यादा कुछ किया नहीं है। शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितने सारे बैग्स हैं हमारे पास। तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी, और हम एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद भी गए थे। और ये हम लाए थे मलाई बर्फ़ी और मावा केक, विच वाज नॉट अप टू द मार्क, और रस मलाई। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि हम लोग इंडियन स्टोर जा रहे हैं, इंडियन स्टोर से शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो इस बार एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वैरायटी लेके आए, क्योंकि क्या हो गया था, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हो गए हमको इंडिया से आए हुए, तो जो भी मसाले वगैरह भी लेके आए थे वो सब ख़त्म हो गया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं डायरेक्टली आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लाई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जो खाने बनाने के टाइम पे जो चीज़ें यूज़ होती है, तो ये पंचफोरन का मसाला है, ये धनिया पाउडर है, चिली पाउडर है। मैं इंडिया से लेके आई थी तो काफ़ी अभी तक चल गए थे, बट अब ख़त्म हो गए तो नए लेके आ गए। फिर ये बादशाह बिरयानी मसाला, मंचूरियन किचिंग्स का सेज़वान, देन फिर ये इमली की गोली, और बिस्किट्स लाए हैं गुड डे और हाइड एंड सीक, और ये गुड़ है जैगरी वाला क्यूब वाला, देन लज्जत पापड़, उसके बाद घना दाल जो मेरी और करण दोनों की फेवरेट है, फिर ये वरियाली, मतलब आई थिंक इसको मैं सेकूँगी घर पे, ये तो मैंने दिखा दिया, और ये है कलौंजी, अजवाइन मसाला पराठा बनाने के लिए काफ़ी काम आता है और ठंडी में काफ़ी अच्छी होती है, ब्लैक पाउडर, देन ये पान मसाला है जो करण लेके आए, करण को बहुत पसंद है पता नहीं, और ये पल्स की चॉकलेट, और ये मैं एक्चुअली MTR मिक्स ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ ठंडी रहती है तो ज़्यादा मैं घर पे नहीं बनाती हूँ डोसा बैटर वगैरह, तो तप्पा मिक्स और डोसा मिक्स। सो ये रहा लगभग, इसमें सब नाश्ता आइटम और मसाले वगैरह ही है। सो ये रहा,
और एक्चुअली लाइटिंग सबसे अच्छी है क्योंकि मेरे किचन में ये लाइटिंग्स है, तो मैंने उसकी लाइटिंग शुरू कर दी, तो इसके लिए अच्छा दिखने लग गया, मतलब लाइट अच्छी आ गई सामान पे। शुरुआत करते हैं इसे, ये हम एक्चुअली दूसरे ब्रांड का लेके आते, इस बार ये वाला ब्रांड का मिला पार्ले का, तो सोचा क्यों नहीं ये लेके आते। तो ये टोस्ट, देन मरमरा भेल बनाने के लिए और नाश्ते वगैरह के लिए बनाने के लिए काफ़ी काम में आता है। देन ये, देन फिर ये सोया चंक्स मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, मतलब मैं इंडिया में भी मैंने कभी लेके नहीं आया, बट मैंने इंडिया में वेज चाप खाई है, तो ट्राई यही रहेगा कि इसकी वेज चाप बनाएंगे, तो इसलिए ये लेके आई हूँ सोया चंक्स। देन मूंग दाल वॉश्ड है, ये तूर दाल है। देन बेसन, ये बेसन का भी ब्रांड मैंने इस बार दूसरा लिया, क्योंकि जो इसके पहले वाला ब्रांड लिया था वो थोड़ा सा कड़वा लग रहा था, तो इसलिए ये वाला नया बेसन लेके आए हैं। देन मैदा, पोहा, उसके बाद है खजूर, ये एक्चुअली आई है बेसिकली मेनली तो मीठी चटनी बनाने के लिए, तो मीठी चटनी के लिए खजूर। देन ये रोस्टेड ग्राउंड नट्स और पिंक पीनट्स, साबूदाना, काला चना, मिल्क पाउडर और राजमा, एंड देन ये रेवड़ी, मतलब प्रसाद वगैरह रखने के लिए, अभी हम घर में आरती वगैरह करते हैं, तो बेसिकली एक्चुअली सो ये लास्ट लॉट है आज के सामान का। तो ये पानी पूरी का पैकेट लगाए, ये एक्चुअली हम पहली बार यूज़ करने वाले हैं, फिर मतलब रेडीमेड पूरी पैकेट्स, लेट्स सी हाउ इट गो, बट अच्छी अदरक थी तो फिर सोचा इंडियन स्टोर से ही ले लेते हैं। देन करेला लेके आए हैं मेरे लिए स्पेसिफिकली, मुझे करेले पसंद है, तो भरमा करेले बनेंगे मेरी मम्मी की स्टाइल से, मम्मी की रेसिपी से आई मीन। देन भिंडी आई है, भिंडी काफ़ी आई है एक्चुअली, फ्रेश थी तो दो बार के लिए हिसाब से भिंडी ले लिया। देन कड़ी पत्ता है फ्रेश, तो मैं ड्राइड भी रखती हूँ लेकिन फ्रेश भी रखती हूँ अगर फ्रेश मिल जाता है तो। फिर अरबी है छोटी छोटी वाली, इस बार मिल गई तो मैंने सोचा क्यों नहीं छोटी वाली लिया जाए, नहीं तो यूजुअली मैं अब बड़ी वाली लेके आती हूँ थोड़ी। देन ड्रम स्टिक्स है, करण को इसकी सब्जी पसंद है सो विल ट्राई। एंड देन टिंडे मेरे पसंद के इसलिए शायद मुझे टिंडे ही निकलता है, बट यहाँ मिलते नहीं। देन टिंडली आई है, काफ़ी फ्रेश थी। देन ये सिंग है एक्चुअली, ये दाल चावल के साथ ऐसे खाया जाता है, कच्ची बीन्स है मतलब, तो मुझे इसका नाम तो नहीं पता एग्जैक्टली क्या नाम है, बट ये काफ़ी टेस्टी लगता है दाल चावल के साथ, तो ये आई है। ये एक्चुअली पता है मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये 7.50 पाउंड्स की थी ये पर केजी, ये सबसे महंगी सब्जी थी उधर पूरे उसमें। देन फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फ्रेश है, तो कोरिएंडर लीव्स। देन मेथी, मुझे यही मेथी मिलती है तो मैं जाती हूँ तो मैं दो पैकेट लेके, दो गड्डी लेके आ जाती हूँ मेथी की, तो मेथी। देन पुदीना, ऑब्वियसली पानी पूरी आई के पैकेट्स आए तो पुदीना तो आएंगे ही, और बचेंगे जो उनके मैं मिंट पाउडर बनाऊँगी, तो यस। तो ये थी आज की वेजिटेबल ग्रोसरी, और इस बार मैं एक बार आटा भी एक्चुअली इंडियन स्टोर से लेके आई हूँ, यूजुअली मैं आजदा से ही लेके आती हूँ लेकिन आजदा में मुझे मिला नहीं, काफ़ी टाइम से दो तीन बार ऐसा हो रहा है कि नहीं मिल रहा है करके, सो आई वाज लाइक कि इस बार रिस्क नहीं लेते, इस बार भी शायद नहीं मिला तो और मेरा ख़त्म होने वाला है, एग्जैक्टली सिर्फ एक डब्बा बचा हुआ है, तो मैंने बोला ले लेते हैं। तो इस बार मैं 10 kg का लेके आई हूँ एलिफेंट आटा, ये मैंने एक्चुअली दो तीन यूट्यूबर्स को यूज़ करते हुए देखा है यही वाला आटा, सो होपफुली अच्छा टेस्ट रहे, और मीडियम चपाती फ्लावर है, चक्की आटा है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़।